हेलो गाइस, आज हम आपके लिए सिंपल सलवार की ड्राफ्टिंग लेकर आए हैं। ये सिंपल सलवार है जिसमें बेल्ट नहीं लगती है। सबसे पहले हमें पल्ले की लंबाई लेनी होती है। इसके लिए जितनी सलवार की लंबाई तैयार रखनी होती है उसमें हम 2.5 इंच प्लस करेंगे। मान लीजिए 38 इंच तैयार लेंथ है तो टोटल लेंथ 40.5 इंच लेंगे। और पल्ले की चौड़ाई आप अपने हिसाब से रखें, यहाँ पर हम 7 इंच मानकर चलेंगे। ये पल्ले हैं जिसकी लंबाई 40.5 इंच और चौड़ाई 7 इंच रखी है। ये 2 पीस में होते हैं। इसके बाद हमें कलियां लेनी होती हैं जो 4 पीस में बनती हैं, और चौड़ाई हमें जितना घेरा रखना होता है उसके अकॉर्डिंग ही लेते हैं। और आसन की लंबाई इसमें 16 इंच रखते हैं और 1.5 इंच गोलाई के लिए निशान लगाते हैं। और जितना हमें पोंचा तैयार रखना होता है उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर 7 इंच पोंचा तैयार है तो 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और क्रोच लाइन से गोलाई देते हुए इस निशान को मिला देंगे। ये सिंपल सलवार की ड्राफ्टिंग हो गई है। यहाँ पर नाड़े के लिए नेफा बनाते हैं। और यहाँ पर पोंचे बनते हैं। इस सलवार में कई बार मयाने लगाते हैं, इसकी ड्राफ्टिंग भी हम आपको बताएंगे। पल्ले इसमें हमारे सेम ही रहते हैं। और यहाँ से जितना घेरा रखना होता है उसी हिसाब से कलियों की चौड़ाई लेंगे। यहाँ पर आसन की लंबाई 18 इंच रखेंगे। बॉटम से भी सेम पहली सलवार की तरह ही रखेंगे। और इसे अब हमें सीधा मिलाना है। और हमें यहाँ पर मयानी लगानी होती है। इसकी चौड़ाई हम 8 इंच रखते हैं जो डबल करने पर 4 इंच होगी। और एक साइड से ये बंद ही रहेगी। और इसमें 16 इंच का आसन लेते हुए 1.5 इंच की गोलाई करनी है और उसे इस तरह मिला देना है। इस तरह मयाने वाली सलवार की ड्राफ्टिंग भी हो गई है। इन दोनों सलवार में ये अंतर है कि म्यानी वाली सलवार में हमें आसन की लंबाई थोड़ी अधिक रखनी होती है। इस सलवार में हमने 16 इंच का आसन लिया था और म्यानी वाली सलवार में हमें आसन की लंबाई 18 इंच रखी है। अगर हमारी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।